एक गाड़ी किसी के लाइफ का सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं इमोशन भी। अब दिल्ली एनसीआर में 15 साल से पुरानी पेट्रोल और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी पे बैन के बारे में तो जानते ही होंगे। इस बैन के तहत पूरी दिल्ली भर में गाड़ियां सीज हो रही हैं और जनता काफी नाराज है। एक ऐसा केस हुआ दिल्ली में जहां एमसीडी ने मिस्टर राघव गुप्ता की 2006 हुंडई सैंट्रो को टो कर लिया। हाँ, गाड़ी पुरानी थी पर वो सैंट्रो राघव जी के लेट फादर की याद थी। टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश अनुसार यहां अथॉरिटीज भी गलत नहीं है और एमसीडी की माने तो ओनर्स को नोटिस भी दिया जाता है कि गाड़ी स्क्रैप करो या एनसीआर से शिफ्ट करो। पर क्या किसी के घर से गाड़ी उठाना सही है? एक आर्गुमेंट ये है कि बहुत लोगों की अपनी पुरानी गाड़ी से काफी यादें जुड़ी होती हैं। किसी की पहली गाड़ी, किसी की पुश्तैनी, तो गाड़ी को मेंटेन रख के एक याद की तरह घर पे रखना अलाउ करना चाहिए। सीनियर सिटीजंस का भी पॉइंट है जो अपनी गाड़ी रेयरली सब्जी लाने या मंदिर जाने के लिए यूज करते हैं और पेंशन से नई गाड़ी नहीं खरीद पाते। इस केस में भी ओवर एज व्हीकल्स को एग्जेम्प्ट करना चाहिए। आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट से बताएं और कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब टू कास्ट 24।